खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां नौगांव में LJCC चिटफंड कंपनी पर करोड़ों उपभोक्ताओं को ठगने का आरोप है। कंपनी के फरार होने से परेशान उपभोक्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंच गए। नौगांव निवासी ब्रजेश बाबू बादल ने इस मामले में SP को आवेदन देकर लाखों की ठगी की शिकायत की है। उनका आरोप है कि कंपनी के एजेंट संजय तिवारी ने पहले मीठी मीठी बातें कर उनसे लाखों रुपए जमा करवाए, इसके बाद उनकी पत्नी को भी एजेंट बना दिया और फिर लाखों रुपए वसूलने के बाद उनको भी कंपनी का एजेंट बना दिया। शिकायतकर्ता ब्रजेश बाबू का कहना है कि जब उन्होंने पैसे लौटाने की मांग की तो संजय तिवारी ने धमकी देते हुए कहा कि तुम भी इस कंपनी के एजेंट हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ब्रजेश बाबू का आरोप है कि अगर पुलिस सख्ती से जांच करे तो इस घोटाले में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और कई लोग जेल जा सकते हैं। वहीं SP का कहना है कि शुरुआती जांच में ठगी की पुष्टि हुई है और जल्द ही इस मामले में FIR भी दर्ज की जाएगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। नौगांव थाना क्षेत्र संबंधी ये मामला है जिसमें एक फंड कंपनी और कुछ एजेंट्स पर कंप्लेन आई है। उस आधार पर थाना प्रभारी और SDOP ने विस्तार में जांच की है और संभवतया आजकल में हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैं SP ऑफिस आया हूं आज दूसरी बार आवेदन देने के लिए। एक कंपनी नौगांव में छतरपुर में संचालित है, उसका नाम पहले था श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अब 2-3 साल पहले उसका नाम बदल के हो गया है LJCC लस्टी ने जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस कंपनी में हमारे पड़ोसी जो हैं संजय तिवारी जी, उन्होंने हमसे 2017 में कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था, क्रमशः इन्वेस्टमेंट कराते गए, उसी समय इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बना दिया था। इस कंपनी में ये लोग ये करते हैं कि जिससे पैसा जमा कराएं उसी को एजेंट बना देते हैं। अब हमारी मैच्योरिटी का समय आया, 17,21,000 रुपये की मैच्योरिटी हमारी सितंबर और अक्टूबर 2024 में थी, तो मैच्योरिटी के समय वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने हमसे ले लिए हैं।